आसन्न निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार सुनिश्चित करने के अभियान पर हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन इसी अभियान का हिस्सा है। प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे सम्मेलन कर चुके मुख्यमंत्री रविवार को गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन कर लोगों को निकाय स्तर पर भी समान विचारधारा की सरकार की खूबियां बताएंगे। इस अवसर पर वह शहर को 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। गोरखपुर सीएम योगी के ट्रिपल इंजन सरकार के फार्मूले का बेहतरीन उदाहरण भी है। केंद्र व प्रदेश में सरकार होने के साथ यहां के नगर निगम में भी भाजपा का ही नेतृत्व है। नियोजन से लेकर क्रियान्वयन तक एक ही पार्टी का नेतृत्व होने से गोरखपुर के विकास कार्यों को मुख्यमंत्री मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निकाय चुनाव में एक बार फिर भाजपा का परचम फहरे और गत चुनाव में पार्टी के खाते से वंचित वार्डों में भी कमल खिले, इसके लिए प्रबुद्ध सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए सम्मेलन को लेकर पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। रविवार को महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विकास और संवाद का समन्वय देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी के हाथों महानगर को पहले 6 लेन फ्लाईओवर समेत 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। प्रबुद्ध वर्ग, भाजपा कार्यकर्ताओं व जन सामान्य से संवाद कर मुख्यमंत्री गोरखपुर की वर्तमान ट्रिपल इंजन सरकार और पूर्व की सरकारों की स्थितियों को भी स्पष्ट करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यस्तम दौरा है। सुबह से लेकर शाम तक वह शिक्षा, खेल, विकास एवं संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों के बीच रहेंगे। सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अपराह्न 3 बजे रीजनल स्टेडियम में आयोजित महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। अपराह्न 4 बजे महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बाद शाम 5 बजे गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह को संबोधित करेंगे।